सबसे पहली बार किसके मुंह से 10 लाख नौकरी सुना गया था? यार ये बात छोड़ो, 5 लाख नौकरी हम लोग देख के आए। हमने कई दिन पहले बोला कि 3 लाख प्रक्रियाधीन है, इसको होना यानी 8 लाख तक कृषि व्यवस्था करके आ गया। यही भाजपा के लोग जब हम 10 लाख बोलते थे तो उन्हीं के मुख्यमंत्री कहते थे कहाँ से लाएगा, अपने बाप के पास। जब से जनता के बीच ये बेइज्जत हो रहे हैं भाजपा के, तो हमारे लाइन पे आए हैं। नमस्कार, जय एसटी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मौसम झा। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने ऐलान किया था कि युवाओं को पहले 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे, फिर 2025 के चुनाव के लिए वोट मांगेंगे। इसी बात को लेकर के जब मीडिया वालों ने तेजस्वी यादव से सवाल किया तो उनका जवाब था कि 10 लाख नौकरी वाली बात पहले किसके मुंह से सुना गया था। जब हम 10 लाख नौकरी की बात करते थे तो बीजेपी वाले कहते थे कि 10 लाख नौकरी कहां से लाएंगे, बाप से मांगेंगे क्या? सुनिए क्या कुछ कह रहे थे तेजस्वी यादव। पता नहीं उन लोगों का अपना कैलकुलेशन है, थोड़ा जमीन पे रहेंगे तो पता चलेगा कि उनका सुफरा साफ देखने और पूरी तरीके से इस बार बिहार की जनता सबक सिखा रही है। 40 में से 39 दिया, 19 में 40 में से 21 दिया, 14 में ठगने का काम किया। इस बार बिहार की जनता सम्राट चौधरी कह रहे 2025 में उनकी सरकार बनेगी तो 10 लाख नौकरी देंगे सरकारी नौकरी। सबसे पहली बार किसके मुंह से 10 लाख नौकरी सुना गया था? यार ये बात छोड़ो, 5 लाख नौकरी हम लोग देख के आए। हमने कई दिन पहले बोला कि 3 लाख प्रक्रियाधीन है, इसको होना यानी 8 लाख तक कृषि व्यवस्था करके आ गया। और जब से हम बोल रहे हैं जनता के बीच ये बेइज्जत हो रहे हैं भाजपा के, तो हमारे लाइन पे आए हैं तो कोई बात नहीं। बिहार की जनता जानती है कि ये लोग क्या करेंगे। यही भाजपा के लोग जब हम 10 लाख बोलते थे तो उन्हीं के मुख्यमंत्री कहते थे कहाँ से लाएगा, अपने बाप के पास से लाएगा। और भाजपा वाले क्या बोलते थे, फाइनेंस मिनिस्टर को बुलाया गया था जब मैंने आप चढ़ा रहे हैं निर्मला सीतारमण मंत्री, और क्या बोला गया था, नौकरी नहीं 19 लाख रोजगार की व्यवस्था। जनता होशियार है, इनके कहने और ना कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। 3 लाख जो और बाकी प्रक्रिया दी नौकरियां हैं वो हम करके आए हैं, जिसको अभी जारी कर रहे हैं, वो भी अब तक नहीं कर पाए। तो सुना आपने तेजस्वी यादव ने क्या कहा, उन्होंने जनता पर इस जवाब को छोड़ा। वो कह रहे हैं कि जनता होशियार है, बीजेपी के कहने या ना कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी क्या राय है, आप भी अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर बताएं और बने रहें जय एसटी न्यूज पर। धन्यवाद।